अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आप जिस टाइम में मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको तहे दिल से मेरा सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय वीडियो। तो जी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं ब्यूटी से रिलेटेड मेकअप ट्यूटोरियल, DIY, स्किन केयर, हेयर केयर और इसी तरह से स्किन केयर के प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आपने सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना और मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर देना है। तो जी, बातों को कम करते हैं और वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी, इग्नोर दैट भारी भरकम गंदी सी आवाज़, गला टोटली ख़राब है। मौसम की तब्दीली की वजह से गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और फीवर भी रहा है पिछले दिनों में, बट थैंक्स टू गॉड अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है उसमें मैं एक और बायो एक्वा का ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है जो लेकर आई हूँ। बायो एक्वा के प्रोडक्ट जो है बहुत ही कमाल के होते हैं, तो ये भी वीडियो आज कमाल की ही होने वाली है। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं बायो एक्वा के लिप केयर मॉइस्चराइजिंग मास्क का रिव्यू लेकर आई हूँ। तो टू द पॉइंट बात करती हूँ, ना आपका टाइम वेस्ट करती हूँ ना अपना, व्यूवर्स जो है उनका टाइम भी काफ़ी मेरे लिए जो है वो कीमती है, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करती। वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। तो जी, जो आज मेरे पास प्रोडक्ट है वो बायो एक्वा की लिप केयर लिप स्लीपिंग मास्क है। लिप स्लीपिंग मास्क नाम से आपको लग रहा होगा कि कोई मास्क लगा के तो आपने सो जाना है और जी सुबह उठना है तो उसको रिमूव करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एज अ लिप बाम यूज़ होता है, यानी कि आपने रात के टाइम इसको यूज़ करना है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको अभी बताऊं कि अभी मैं किसी ब्लॉगर का रिव्यू देख रही थी इस लिप स्लीपिंग मास्क के बारे में जी, तो उन्होंने इसमें एक छोटी सी लिप पेंसिल भी थी और मैं हैरान हो गई कि मेरे तो प्रोडक्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। तो जी, जब मैंने इसको छाना भी नहीं की तो इसके अंदर से इसको कार्डबोर्ड को जब मैंने रिमूव किया, इसको निकाला, तो इसके नीचे एक छोटू चुनू सी ये पड़ी हुई है जी। इतनी प्यारी सी लिप पेंसिल निकली जो कि इतने महीनों से मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी और ना मुझे पता था इसके अंदर कोई लिप पेंसिल भी है। तो जी, ये सब बातें ख़त्म और वीडियो का टॉपिक स्टार्ट। पहले अगर आपको मैं पैकेजिंग दिखाती चलूँ, बहुत ही प्यारी सी पिंक एंड ऑफ वाइट कलर की कार्डबोर्ड की इस तरह से पैकेजिंग है। लिप स्लीपिंग मास्क लिखा हुआ है, कीप लिप लास्टिंग मॉइस्चराइज रिपेलिश। तो 20 ग्राम की टोटल प्रोडक्ट है जो आपको इसके अंदर मिलती है। बाकी जो है वो कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है सब कुछ। अंदर की जो पैकेजिंग है वो उससे भी ज़्यादा क्यूट और बहुत ही प्यारी है जी। ये देखेंगे, इजी टू कैरी, इजीली आप अपने बैग में इसको रख सकते हैं। इस तरह की ये है और अंदर का जो प्रोडक्ट है, बायो एक्वा की प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग भी बहुत कमाल की होती है। इस टाइम फेस भी मेरा टोटली सूज चुका है और ये देखें जी, अंदर की जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह की है और काफ़ी ज़्यादा मैंने तकरीबन 2-1.5 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, ईजीली आपके लिप को मॉइस्चराइज करता है। तो जी, ये तो हो गई पैकेजिंग की बात और साथ में एक लिप पेंसिल भी आपको मिलती है। तो जी, ये तो हो गई पैकेजिंग की बात, अब चलते हैं प्रोडक्ट के रिव्यू। वैसे जी, अब बात करते हैं पहले प्रोडक्ट के प्राइस की। मुझे 500 रुपीज़ की ये लोकल मार्केट से मिली है और ऑनलाइन आप देख लें तो ये आपको तकरीबन 1200 में भी मिल रही है। वो आपकी चॉइस है कि आप इसको सस्ते में लें या महंगे में, लेकिन प्रोडक्ट ओरिजिनल भी होना चाहिए। तो ये मुझे प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल ही लगी, लोकल मार्केट से मैंने इसको 500 रुपीज़ का लिया है। उसके अलावा रिव्यू की बात की जाए तो आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट फर्स्ट डे से ही, यानी कि अगर जो मैंने पहली रात इसको अप्लाई किया था तो द नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे लिप इतने ज़्यादा मॉइस्चराइज थे, इतने ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट, कमाल के थे। मैंने पहले भी अपनी वीडियो शेयर की है लिप स्क्रब, जिसमें शेयर किया है, और अपनी लिप केयर रूटीन सॉरी शेयर की है, उसमें मैंने इसको यूज़ करते हुए बताया था कि मैं इसको डेली रात को इस्तेमाल करती हूँ और कमाल की। अगर आपके लिप्स फटे हुए हैं, डेड स्किन है, आपके लिप ब्लैक हैं, तो आपके लिप के तमाम ये जो है मसाइल को हल करेगी। मेरी तरफ से ये
प्रोडक्ट टोटली रिकमेंडेड है। मेरे लिप्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा डार्क है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स और इसी तरह से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे लिप्स जो हैं वो नेचुरली ब्लैक है, इसमें कोई कसूर नहीं है मेरा। तो इस लिप बाम ने मेरे होंठो को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज बनाया है, इसने मेरे कलर को जो है इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन एक दो टोन लाइटन अप किया है। उसके अलावा आप इसको चाहे तो डे में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने रात को इसको अप्लाई किया और आप सो गए, आप डे टाइम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन के लिप्स की स्किन के अंदर ये ऑब्जॉर्व हो जाता है लेकिन हल्का हल्का शाइनी इफेक्ट ऊपर रहता है। बाकी आपके लिप्स को पिंक अगर आप सोचे तो इतना ज़्यादा पिंक नहीं करता है, बाकी आपके लिप को काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज। टोटली मैंने इसके प्राइस के बारे में बात की, पैकेजिंग के बारे में बात की, रिव्यू के बारे में बात की और सब कुछ मैंने बता दिया इस प्रोडक्ट के बारे में। और होपफुली आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो। अगर आप एक लिप स्लिपिंग मास्क के बारे में सोच रहे हैं तो ये वाला मेरी तरफ से बाय वैक्वा का टोटली रिकमेंडेड है। आप चाहे तो आप उसको ख़रीद सकते हैं, ले और अपने प्यारे प्यारे लिप्स इन्जॉय करें। और ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट बाय वैक्वा का लिप केयर स्लिपिंग मास्क के बारे में। होपफुली आपको पसंद आया हो। मेक श्योर आपने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।